हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस वीडियो रिलेट अबाउट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट नंबर 22। टाइटल इज दैट टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजिन ऑन एनिमल बिहेवियर इन माइस। सो दिस इज हेल्पफुल फॉर डी फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सो ऑन द बेस ऑफ दिस CD बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन वी विल डिस्क्राइब दिस वीडियो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिस इज प्रैक्टिकल रिलेटेड अबाउट फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट। हेयर वी विल डिस्कस एक्सपेरिमेंट नंबर 22, दैट इज टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजिन ऑन एनिमल बिहेवियर बाय यूजिंग द CD ऑफ MSBT। सो एम इज दैट टीमिंग एंड हिप्नोसिस प्रोटेक्शन इफेक्ट ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इन माइस। दिस इज अनदर टाइटल फॉर दिस प्रैक्टिकल। So we will discuss one by one. So these are the objectives of practical: to understand the terms mood elevators, antipsychotic, neuroleptics, anti-manic, then mood stabilizer and tranquilizer. So second objective is that to understand ptosis, psychosis and psychosis, to understand the schizophrenia, delusion, hallucination. And next object is that to know the various methods employed for elevating the psychotropic drugs. So we will conclude it one by one, this objective, with the help of our CD-based demonstration of this practical. So these are the animal required: mice, drug clofazimine 4 mg, then phenobarbital sodium, then instrument and equipment, Koch's pole flaming chamber and disposable syringes. सो थियरी बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट, हमें क्यों ये एक्सपेरिमेंट करना है, क्लोरप्रोमाजिन का इफेक्ट क्यों देखना है, बिकॉज क्लोरप्रोमाजिन काम द इंडिविजुअल विदाउट प्रोड्यूस द हिप्नोसिस, राइट। जो भी नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस ना करते हुए क्लोरप्रोमाजिन क्या करता है कि मूड इलिवेटर है, मूड को चेंज करता है। देखा जाए तो जो भी साइकिक पर्सन होते हैं या साइको इलनेस साइकोसिस जिसमें होता है, तो उसमें मूड जो है वो चेंज होता है, हम उसे मूड डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। तो जो मूड है वो चेंज करता है विदाउट प्रोड्यूसिंग द हिप्नोसिस, राइट। क्लोरप्रोमाजिन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑफ वेरियस टाइप्स। इट हैज द रिमार्केबल एक्शन रिड्यूस द साइकोमोटर एक्साइटमेंट, साइकोमोटर एक्साइटमेंट कम कर देता है, यानी कि इंडिविजुअल को काम करता है, शांत करता है, अल्टर द मैनिक स्टेटस एंड ऑल्सो द इन यूज इन सिज़ोफ्रेनिया कंडीशन। सो मूड इलिवेटर है क्लोरप्रोमाजिन, मूड को ठीक करता है। इट इन्वॉल्व इन द सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एंड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, सो व्हाइल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस रिमेन इंटैक्ट। सो ये जो प्रॉपर्टी है क्लोरप्रोमाजिन की, कि इंडिविजुअल को काम करता है, पेशेंट को जो है शांत करता है विदाउट प्रोड्यूसिंग द हिप्नोसिस। सो क्लोरप्रोमाजिन रिड्यूस द इनिशिएटिव्स and interest in the environment, manifestation of emotion, slowness in responses to external stimuli and drowsiness, and patient become a less agitated, right? जो भी है drowsiness produce करके उसे शांत करता है, इसलिए उसके जो भी psychic activity वो कम हो जाती है। it develop the interest in surrounding, develop interest in food, so उसका mood elevator होता है, mood change होता है। so chloroformation also has other clinically useful properties apart from the neuroleptic effect. So it has a antiemetic and antihistaminic effect and ability to potentiable analgesic, sedative and general anesthetic. So this tranquilizer and neuroleptic activity of clofazimine is known as a large actal activity. विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो हम माइस पे उसका क्लोरप्रोमाजिन का इफेक्ट देखने वाले हैं, राइट। अगर नॉर्मल उसकी एक्टिविटी जो रहती है माइस की, जो भी स्टिमुलस, अब यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं, पोल क्लेम्बिंग एपरेटस जो है, कुक्स पोल क्लेम्बिंग एपरेटस, वहाँ पे आप पोल दिख रहे हैं। अगर नॉर्मल बिहेवियर है तो वो कंडीशनल रिस्पॉन्स देता है माइस, जैसे कि करंट पास हो या बजर बजाया जाए तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इससे वो क्या होता है कि वो जो भी एनिमल है वो क्लीन करता है उस पोल को, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुक्स पोल क्लीनिंग रिस्पॉन्स एपरेटस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शॉक दिया जाता है। सो नॉर्मल एक्टिविटी में अगर शॉक दिया जाए
तो वो जो एडवाइस है वो क्लेम करेंगे आप फुल, राइट। आफ्टर गिविंग द क्लोरपोमाजिन ड्रग वो काम होगा, शांत होगा, इसलिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे उस एक्टिविटी को। अगर साइकिक कंडीशन में है जो भी एनिमल, राइट, उसमें साइकिक कंडीशन हो तो हाइपर एक्साइटमेंट दिखाई देंगी, वो पोल क्लीन करेगा, राइट। तो आप देख सकते हो ब्लॉक क्लीनिंग कर रहे हैं, वो पोल पिक चढ़ रहा है वो, राइट। सो आफ्टर गिविंग द ड्रग, ड्रग देने के बाद उसका जो भी एक्टिविटी हो कम हो जाएंगी, राइट, वो शांत हो जाएगा। जो भी कंडीशन क्रिएट की थी उसे शॉक दिया था उस रॉड से, उसको शॉक और बजर बजाया था, तो उसे वो पोल फ्लेम कर रहा था, तो उस कंडीशन को हम कंडीशन अवॉइडेंस रिस्पांस कहते हैं। यानी कि जो भी कंडीशन उसको अवॉइड कर रहा है वो और पोल पे क्लेम कर रहा है, चढ़ रहा है। नाउ वी विल एडमिनिस्ट्रेट द क्लोरपोमाजिन ड्रग। क्लोरपोमाजिन ड्रग हम दे रहे हैं उसको, राइट। सो क्लोरपोमाजिन ड्रग देने के बाद हम देखेंगे, सो आप देख सकते हैं उसकी जो भी एक्टिविटी वो काम हो गए, शांत हो गया है, राइट। क्लोरपोमाजिन जो है वो कामनेस प्रोड्यूस करता है, सो वो जो भी कंडीशन है तो उसको अवॉइड नहीं कर रहा है, बिकॉज ही जो भी आइस है वो शांत हुआ है, काम हुआ है, राइट, विद द क्लोरपोमाजिन डोज एक्टिविटी। सो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि वो पोल फ्लेम नहीं कर रहा है। सो नाउ वी विल गिव अगेन फिनोबार्बिटोन। अगर डोज बढ़ाया जाए, अगेन क्लोरपोमाजिन 4 mg दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उसे कुछ हाइट से उसको ड्रॉप किया जाए तो उसका रिस्पांस जो है वो कम हो रहा है, ड्राउजीनेस प्रोड्यूस हो रहा है क्लोरपोमाजिन से हाई डोज की वजह से, राइट, इंडिविजुअल वो कम हो जाता है, सो ड्राउजीनेस प्रोड्यूस हुआ है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि वो कौन सी भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, राइट। सो वी विल ऑल्सो ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ क्लोरपोमाजिन। अभी फिनोबार्बिटन देते हैं। फिनोबार्बिटन क्या है कि एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो वो उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा, राइट। सो आप देख सकते हैं इन्वायरमेंट को वो रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट। सो नाउ ही इज अलर्ट, राइट, वो रिस्पॉन्स कर रहा है। ज़्यादा अगर फिनोबार्बिटिन दिया जाए हाई डोज में, अगेन इट प्रोड्यूस द ड्राउजीनेस इन माइस, माइस में ड्राउजीनेस प्रोड्यूस होता है। सो क्लोरपोमाजिन एंड फिनोबार्बिटिन दिया जाए साथ में, उसका रिस्पॉन्स देखते हैं हम। सो क्लोरपोमाजिन प्लस फिनोबार्बिटिन, देर इज नो एनी मूवमेंट, राइट, टोटली इंडिविजुअल जो है माइस से वो काम हो गया है, शांत हो गया है ट्राउजरीज प्रोड्यूस होने की वजह से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, टाइमिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरपोमाजिन माइस फर्स्ट माइस सेकेंड। माइस फर्स्ट में जो है सलाइन इंटर पेरिटोनियल दिए थी, आफ्टर बजर एनिमल फ्लेम्स ऑन पोल, जो भी एनिमल है वो क्लेम कर चुका था पोल पे। सो अनकंडीशनल स्टिमुलेंट में ऑन पोल रिस्पॉन्स टू द शॉक ओनली। सेकेंड माइस टू जो है क्लोरपोमाजिन दिया था उसको इंटरपेरिटोनियली, एनिमल शोज नो रिस्पॉन्स ऑन टू बजर, नॉट क्लेम ऑन पोल। सो आफ्टर शॉक एनिमल क्लेम्स ऑन अ पोल, शॉक देने के बाद वो पोल पे क्लेम करने लगा। नाउ दिस इज टेबल रिलेटेड अबाउट क्लोरपोमाजिन फिनोबार्बिटन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरपोमाजिन एंड फिनोबार्बिटन। सो ऑब्जर्वेशन क्या करना है हमें कि हिप्नोसिस पोटेशियम इफेक्ट ऑफ क्लोरपोमाजिन। सो 20 मिनट्स, 15 मिनट्स, 7 मिनट्स ऑन द सेट टाइम ऑफ स्लीप लॉस ऑफ लाइटनिंग रिफ्लेक्स। उसका जो है कि जैसे जैसे डोज जो है क्लोरपोमाजिन देने के बाद 20 मिनट तक वो सोया रहता है, राइट, सो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप विल बी 20।
एंड फिनोबारबिटन देने के बाद 15 मिनट्स ही, और क्लोरपोमाजिन एंड पेंटोबारबिटन देने के बाद 7 मिनट, यानी कि जो भी कॉम्बिनेशन में अगर दिया जाए तो 7 मिनट तक वो स्लीप ड्यूरेशन होती है। सो ऑन द बेस ऑफ दिस टेबल वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरपोमाजिन प्रोड्यूस कामनेस इन इंडिविजुअल या माइस में, इंडिविजुअल में कामनेस प्रोड्यूस करता है। सो वॉट वी लर्न फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज इन ह्यूमन बींग। सेलेक्टिव एंटीसाइकोटिक्स आर अवेलेबल इन पर्टिकुलर साइकिक डिसऑर्डर, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट एनिमल मॉडल्स इम्प्लॉय टू डू नॉट ऑलवेज गिव ट्रू एफिकेसी अबाउट अ ड्रग, देयरफॉर कॉग्निशंस, कम्युनिकेशन एंड सोशल रिलेशनशिप इन एनिमल आर डिफिकल्ट टू कंपेयर विद ह्यूमन कंडीशंस।